यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया यूजर्स को, एक इंटरनल यूजर घर वाले, एक एक्सटर्नल यूजर बाहर वाले। इंटरनल इंटरनल में दो आ रही हैं कैटेगरीज। इंटरनल में कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं? ओनर्स और मैनेजमेंट। इंटरनल में दो कैटेगरीज आ रही हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। बाकी सब किस में आ रहे हैं? एक्सटर्नल यूजर्स में। बाकी सब किस में आ रहे हैं? एक्सटर्नल यूजर्स में। अब ध्यान से देखना, ओनर्स ओनर्स क्यों चाहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? सर उनका तो बिजनेस है, उनका तो हक बनता है कि जानना क्या रहा इस साल। ओनर्स ने तो सबसे बड़ा रिस्क लिया हुआ है, उन्होंने तो पैसा डाला हुआ है, तो दो चीजों का ध्यान रखना है उन्होंने, एक तो सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल एंड द रिटर्न्स। दो चीजें, जो पैसा डाला है वो सेफ है कि नहीं है, दूसरा जो रिटर्न्स मिल रही हैं वो जस्टिफाइड है कि नहीं। क्योंकि अगर एज एन ओनर सर, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी क्या, आप तो बिजनेस के ओनर हो, नहीं भी है तो आपको ही करना है जो भी करना है, आप कोई इन्वेस्टर तो होने की चलो पैसा निकाल लेंगे कहीं और डाल लेंगे। नो, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनीज में क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? बेकार कर रही है कंपनी, शेयर्स बेच दो स्टॉक मार्केट में, किसी और कंपनी में पैसा है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो एज अ शेयर होल्डर आप जब चाहें अपने शेयर्स बेच सकते हो। प्रोप्राइटर का दिक्कत है, उसका तो खुद ही का बिजनेस है, पार्टनरशिप में रिस्ट्रिक्शन होती है, कंपनीज में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो एज अ शेयर होल्डर आप देखना चाहोगे कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सैटिस्फैक्ट्री हैं कि नहीं है। व्हाट इज द रिटर्न व्हिच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय देम? इट इज टर्म्ड एज डिविडेंड। इट इज टर्म्ड एज डिविडेंड। अब टर्म आ गया तो डिस्कस कर रहा हूँ, आया कहाँ सर, आपने खुद ही लाए, आ गया तो आ गया डिविडेंड। इट इज द रिटर्न, इट इज द रिटर्न विच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम इन अ कंपनी। आज ही न्यूज पढ़ी थी डिविडेंड में, इंफोसिस मिस्टर मूर्ति की जो बेटी है, यूके के सीएम की वाइफ, कुड मतलब शी गॉट डिविडेंड फ्रॉम हर शेयर्स ऑफ इंफोसिस। डिविडेंड ही 80-90 करोड़ का था, डिविडेंड डिविडेंड ही 80-90 करोड़ का था। यार वो अलग लोग है, बट पॉइंट इज डिविडेंड का मतलब क्या होता है वो तो पता होना चाहिए, मिले ना मिले क्या हो गया, बट डिविडेंड क्या होता है? द रिटर्न विच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। कोई डाउट बेटा अभी तक? ठीक है जी। इंटरनल यूजर्स ओनर्स, ओनर्स आर द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड बेयर मैक्सिमम रिस्क एंड गेट मैक्सिमम रिवॉर्ड। सबसे बड़ा रिस्क वो ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी तो सब मेजोरिटी उन्हीं को मिलेगा। सिंस द ओनर्स हैव इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस दे नीड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न और लॉसेज इनकर्ड। ओनर्स ऑल्सो नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू असेस सेफ्टी ऑफ देयर मनी, मतलब दे आर वरीड अबाउट द रिटर्न्स ऑल्सो एंड द सेफ्टी एज वेल। ओनर्स ऑल्सो नीड सच इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर दे शुड इन्वेस्ट मोर कैपिटल इन द बिजनेस और विड्रॉ द इन्वेस्टेड कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। ओनर ने बिजनेस में, आप ये जानना चाहते हो अच्छा चल रहा है, चलो इसमें और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टेंशन हो रही है, रिस्की है, धीरे धीरे पैसा निकालने का टाइम आ गया है, तो ओनर मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड ओनर। इंटरनल यूजर कोई डाउट? मैनेजमेंट, जहां जहां मैनेजमेंट वहां वहां डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग और टेकिंग स्ट्रैटेजी डिसीजंस एज वेल एज रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस। मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखना बेटा, हम लैपटॉप बना रहे हैं तो प्राइस क्या होना चाहिए वो बहुत ही ट्रिकी डिसीजन होती है, बहुत ही ट्रिकी डिसीजन होती है। ओवर प्राइस करोगे आपका सामान नहीं बिकेगा, अंडर प्राइस करोगे आपका प्रॉफिट मार्जिन लो हो जाएगा। तो आपको कंपटीशन को भी बीट करना है, अपनी कॉस्ट भी कवर करनी है, तो फिक्सेशन ऑफ प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन टू टेक, बट दैट इज द रोल ऑफ द मैनेजमेंट। दे यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा चलो लाओ कॉस्टिंग की शीट लाओ कि बनाने में हमारा क्या क्या खर्चा हुआ है, अच्छा बताओ हमारा एंटिसिपेटेड प्रॉफिट परसेंटेज क्या है,
जो भी सारे एस्पेक्ट्स ऐड करके फिर वो डिसाइड करते हैं सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सच एज टू कंट्रोल कॉस्ट. मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज विद अदर एंटरप्राइजेस. आप अकाउंट्स अपने देखना चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल होंडा वाले हैं तो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे, कंपेयर करेंगे कि टोयोटा की सेल्स कैसी रही, मारुति की सेल्स कैसी रही, अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करना, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन. और एक और होता है इंट्रा फर्म कंपेरिजन, अपना ही रिजल्ट, अपना ही रिजल्ट पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करना कि ग्रोथ कैसी हुई है. तो इन सबके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए. मैनेजमेंट ऑल्सो नीड्स इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, टू प्लान फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज, एक्सपेंशन, रिडक्शन इन साइज. इंटरनल यूजर्स, ओनर्स एंड मैनेजमेंट, क्लियर? सिर्फ उनका मीनिंग नहीं पता होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे ये भी पता होना चाहिए.